नमस्कार, मैं पुनीत वशिष्ठ, प्रिंसिपल जी डी गोयनका स्कूल आगरा, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस कठिन समय में हम सब लोग एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं। यह वह समय है जिसमें अपने साथ छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमें कहीं ना कहीं हमारी ढाल बनकर हमारे साथ खड़े हैं। हमारा समाज एक दूसरे के लिए खड़ा हुआ है। आप देख भी रहे होंगे कि ये बीमारी ऐसी है जिसमें अपने भी अपनों से दूर चले जाते हैं। इस समय में मेरे एक बार फिर आप सभी से अनुरोध है कि इस बीमारी से बचने के लिए कोई मेडिकल फील्ड में दवाई उपलब्ध नहीं है, प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई इसकी दवाई है, जो प्रशासन भी कह रहा है, जो भारत सरकार ने भी कहा है, वह है कि हम सब लोग उन संक्रमण से ग्रसित लोगों से दूर रहें। अदरवाइज उस बीमारी को हम घर पर लेकर आएंगे और हमसे दूसरे लोग संक्रमित होंगे। तो मेरा आप सभी से पुनः ये निवेदन है कि आप घर से बिल्कुल ना निकलें। इस लड़ाई में प्रशासन की एक लिमिट है, सरकार की एक लिमिट है। हर किसी के लिए, हर पेशेंट के लिए वो इतनी सुविधाएं अरेंज नहीं कर सकते। तो लॉकडाउन के पीछे मकसद यही था कि लॉकडाउन में जब लोग रहेंगे तो सरकारें अपनी कुछ अरेंजमेंट्स कर मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाएंगे तथा जो बीमार होने वाले पेशेंट्स हैं उनकी संख्या को कम करेंगे। एक महीना ऑलमोस्ट हो जाने के बावजूद भी अभी भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने हमसे गलतियाँ हुई हैं। तो मेरा एक बार फिर आपसे ये अनुरोध है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए घर से बिल्कुल ना निकले। अभी वीरा फाउंडेशन और जी डी गोयनका स्कूल आगरा दोनों एक साथ आए हैं। हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां पर मेडिकल फील्ड के टॉप डॉक्टर्स और दूसरे क्षेत्र के जिन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत कुछ अचीव किया है, उस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। आपकी क्वेरीज को, आपके कंसर्न्स को, आपके इश्यूज को वो रिजोल्व करेंगे। ये प्लेटफॉर्म, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी डी गोयनका पब्लिक स्कूल आगरा के सभी बच्चों से और पेरेंट्स से, लिंक मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, उस लिंक के माध्यम से इस पेज पर जाएं और वहां पर जो अपने अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे एडवाइस लें। यह समय एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का है, यह समय एक दूसरे से सहायता लेने और देने का है। इस सहायता के लिए मैं अभिवीरा फाउंडेशन और उससे जुड़े तमाम लोगों का जी डी गोयनका पब्लिक स्कूल आगरा परिवार की तरफ से दिल से धन्यवाद देता हूं, और वह आगे भी इस तरह के प्रयास करते रहे इसके लिए उनको मन से शुभकामनाएं देता हूं। इन शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।